કેમ છો, નમસ્તે અને એન્ડ યસ વેલકમ ટુ માય ચેનલ ફોરમ લાઈફ એન્ડ સ્ટાઈલ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વુડ લાઈક ટુ સે થેન્ક યુ ટુ ઓલ ઓફ યુ કે આપ લોગોને ઇતના અચ્છા મુજે સપોર્ટ કિયા ઓર અચ્છે અચ્છે મેરે મતલબ સબસ્ક્રાઈબર ભી થોડે ઇન્ક્રીઝ હો ગયે હૈ. ઇવન મેરી ચેનલ પે વ્યૂઝ ભી બહોત અચ્છે હો ગયે. ઇવન મેને ભી ખુદ ને યુટ્યુબ મેં બહોત ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કિયા હૈ. તો વો ઇસીલિયે કિયા હૈ કે બીકોઝ મુજે આપ લોગો કા સપોર્ટ અભી મિલ રહા હૈ. તો થેન્ક યુ સો મચ. से मेन टॉपिक पे आ जाते हैं. आज का जो वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है तो वो आज मेरे वीडियो का मेन टॉपिक क्या है कि वो आप ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है. जैसे मैं थंबनेल ही कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि सबको इजीली पता चल ही जाता है. तो आज के ये वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जो डियोज और जो वी कैन से कि मिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं और मतलब हम अगर उसे परचेज करने के लिए भी जाते हैं तो हमें खुद को पता नहीं रहता है कि कौन सा डियो किस तरह का है. समटाइम्स हमारे साथ मेजरली गर्ल्स के साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है कि हम रेफरेंस थ्रू ज़्यादा जाते हैं. बिकॉज रेफरेंस थ्रू अगर कोई डीओ या बॉडी मिस्ट हम परचेज करते तो हमें पता रहता है कि जिस बंदे ने या जिस फ्रेंड ने हमें रेफरेंस किया है वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. बट एक चीज़ हमें ये बहुत ही ध्यान में रखनी है कि सबका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है. मतलब देर आर लॉट्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेग्रेंसेज आर अवेलेबल इन टू द मार्केट बट हमें पर्सनली हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है वो ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट? यस, आज मैं लेके आई हूँ वो सारे डियोज और वो सारे परफ्यूम तो नहीं बोल सकते, बॉडी मिस्ट दो तीन हैं जो मैंने ऑलरेडी इतने साल मैंने यूज़ किए हैं और मेरा एक्सपीरियंस उस डियो और बॉडी मिस्ट के साथ अच्छा रहा है. और वो कैसे हैं, किस तरह से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, वो तो मैं लिंक डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करने ही वाली हूँ. बट हाँ, मैं एक बात पक्का बता दूँ कि जो मैंने यूज़ किया है तो वो मेरे टेस्ट के हिसाब से है. तो मेरा टेस्ट कुछ ऐसा है कि मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं रहती है और मुझे ज़्यादा फ्रूटी स्मेल भी बहुत अच्छी नहीं लगती है. तो आई ऑलवेज प्रीफर कि एक माइल्ड स्मेल होनी चाहिए जो धीरे धीरे से पूरे दिन आनी चाहिए. तो वो एक मेरा है. समटाइम्स डीओ में एक ये भी इश्यू रहता है कि भाई लगाते हैं तब स्मेल कुछ डिफरेंट आती है और लगाने के बाद लाइक वो जो स्वेटिंग में मतलब मिक्स हो जाता है ना तो वो स्मेल इतनी बकवास और गंदी हो जाती है डीओ की कि पूरा डीओ का स्मेल हमें खुद को उससे इरिटेशन होने लगती है और उससे समटाइम्स हमें हेडेक भी हो जाता है. लाइक मुझे तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत है. समटाइम्स मैनी पीपल्स उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है. तो मेरा भी एक ये इश्यू है. तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे वाले डीओस एंड बॉडी मिस्ट लेके आई हूँ और डेफिनेटली मैं इन शॉर्ट ट्राई करूँगी कि उनके बारे में आप लोगों को बताऊँ और कैसा है मेरा एक्सपीरियंस वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. आपको अगर परचेज करना है तो आपके लिए ईजी हो. एंड वन मोर थिंग, ये आज का जो वीडियो है वो थोड़ा शायद लंबा भी हो सकता है तो फिर आप प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा. बिकॉज यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 8 तरह के बॉडी मिस्ट और डियोज लेके आई हूँ तो डेफिनेटली थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो. अगर लंबा नहीं होता है तो आई विल ट्राई टू हैव इन 2 parts सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप 2 part में अच्छे से देख सको. अदरवाइज आप क्या करते हो, आप स्किप कर करके देखते हो, राइट? इतना सा भी मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो पहले प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू. मैंने जो रेंज ली है वो रेंज में ऐसा नहीं है कि सारे डियोज इतने अच्छे सस्ते हैं. लाइक 250 तक डेफिनेटली है. 2-3 ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कॉस्टली है बट मुझे पर्सनली अच्छे लगे थे तो मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं. और तो मैं वो उसमें कैटेगरी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा मैंशन नहीं करूँगी कि भाई बहुत सारे सस्ते वाले डियोज हैं. स्पिन्स को मैंने बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया बिकॉज स्पिन्स की स्मेल मुझे पर्सनली पाउडर वाली ही अच्छी लगती है. डियो वाली स्मेल मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती. अदरवाइज उसके बहुत सारे रेंज अवेलेबल हैं मार्केट में. सो नाउ डोंट अभी वेस्ट टाइम नहीं करते हैं और फटाफट से स्टेप बाय स्टेप एक एक डियो और बॉडी में स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैं लेती हूँ मेरी फेवरेट एक ब्रांड है, थोड़ी कॉस्टली वाली ब्रांड है बट वहाँ से ही मैं स्टार्ट करती हूँ. बॉडी शॉप करके ब्रांड है. तो बॉडी शॉप के 2 मेरे पर्सनल बॉडी मिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ. ये फर्स्ट वाला जो है ये है टी ट्री वाला बॉडी मिस्ट है. डेफिनेटली कॉस्टली वाले हैं बट मुझे पर्सनली अच्छे लगे थे इसलिए मैंने परचेज किए थे. ये टी ट्री वाला जो भी ये बॉडी मिस्ट है, मैं बॉडी शॉप की पर्सनल जो शॉप रहती है वहाँ पे मैं गई थी शुरू में और वहाँ से ही मुझे ये अच्छा लगा था. टी ट्री ये जो है डेफिनेटली बहुत माइल्ड
प्योर टी ट्री का बॉडी मिस्ट है. पर्सनली ये जो बॉटल है इतनी अच्छी है कि इसकी जो क्वांटिटी हम 3-4 बार ही स्प्रे करते हैं और पूरा दिन ये बॉडी मिस्ट आपके बॉडी पे रहने वाला है और जो स्मेल स्टार्टिंग से है वही स्मेल आपको लास्ट एंड तक रहेगी और माइल्ड वाली स्मेल है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. प्योर टी ट्री वाली स्मेल है. वन मोर थिंग इसके बारे में मैं बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आई कैन से कि 6-7 मंथ आराम से चल जाएगी. तो हाँ प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ी कॉस्टली है बट डिस्काउंट भी चलते रहते हैं. दिसंबर में भी इसका क्या बोलते हैं कि वो सेल आता रहता है तो यू कैन गो एंड यू कैन परचेज फॉर इट एंड डेफिनेटली मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है. एक बार आप ज़रूर ट्राई करना. मेरी प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम अगेन द बॉडी मिस्ट एंड वो है जापान चेरी ब्लॉसम का. ये अच्छा वाला बॉडी मिस्ट है. ये भी सेम जैसे मैंने बोला टी ट्रिक जैसा ही है कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा है बट डेफिनेटली क्वांटिटी ऐसी है ना बॉटल छोटी लगेगी बट मेक श्योर कि ये बहुत अच्छे से चलने वाली है और आराम से 7-8 महीने तो निकाल ही देंगी. और इसकी स्मेल तो मैं डेफिनेटली इसके लिए तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ गो एंड परचेज दिस. बहुत अच्छा वाला बॉडी मिस्ट है. आपके बॉडी में बहुत माइल्ड स्मेल आएगी एंड डेफिनेटली वन पर्सन इज़ गोइंग टू आस्क यू कि ये कौन सा परफ्यूम है या कौन सा बॉडी मिस्ट आपने यूज़ किया है. तो दिस इज़ द टू प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी शॉप विच एक्चुअली आई लाइक इट. इन कम विद दी जो भी अभी कॉस्टली वाली रेंज है तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी. नाउ कम विद दी एक अगेन थोड़ा एक डियो है जो है द फेवरेट सबकी ब्रांड है क्लोथिंग में है बैनेटन. तो ये बैनेटन का डियो है. ये वाला डियो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज मैंने बैनेटन में 2-3 फ्लेवर ट्राई की थी उसके बाद मैंने इसको परचेज किया था. एंड डेफिनेटली गाइज दिस इज़ ऑल्सो द नाइस फ्रेग्रेंस. पूरा दिन ये चलती है कि नहीं चलते आई कैन से कि 3-4 आवर्स आराम से ये चल जाएगी. उसके बाद का मैं गारंटी नहीं ले सकती बिकॉज मेरे पे 3-4 आवर्स ही चली थी. तो डेफिनेटली बैनेटन इज़ ऑल्सो गुड थिंग. और इसका जो स्मेल है वो बहुत माइल्ड स्मेल है और अच्छा वाला जो एक फ्रेग्रेंस रहती है ना कि हमें अच्छी लगती है स्मेल करने के लिए. तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ स्मेल ये बैनेटन की तरफ से है. और ये डियो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ से इसको भी परचेस कर सकते हैं. बैनेटन में भी अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं ऑनलाइन अगर आप परचेस करते हो बट मेक श्योर कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले बिकॉज इसके सेकेंड कॉपीज मार्केट में बहुत अवेलेबल रहती है. और अगर आप सेकेंड कॉपीज परचेस करोगे तो डेफिनेटली आपको वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा जो एक ओरिजिनल डीओ आपको प्रोवाइड कर सकता है. तो बैनेटन भी बहुत अच्छा है. हाँ डेफिनेटली कॉस्टली है बट यू कैन गो इन द डिस्काउंट पार्ट एज वेल. तो बैनेटन इज ऑल्सो गुड प्रोडक्ट. दूसरा अभी ये वाला है ये है बॉडी मिस्ट ही है बट मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. ये मेरा इतना पर्सनल फेवरेट हो गया है कि मैंने तीसरी बार इसको परचेज किया है. दिस इज़ कम फ्रॉम दी अरमाफ करके जो ब्रांड रहती है वो भी बहुत फेमस वाली ब्रांड है डियो में. और उसका ये बॉडी मिस्ट है बिकॉज उसका डियो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. इसका ये वाला जो बॉडी मिस्ट है ये मुझे बहुत पसंद है. इसका जो एक बॉडी मिस्ट में ये फ्लेवर है टैगर करके फ्लेवर है बिकॉज उसमें भी 3-4 अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स आते रहते हैं बट ये टैगर करके ये जो फ्लेवर है वो इतना माइल्ड इतना मस्त वाला फ्लेवर है कि आपका मूड अगर मतलब अच्छा नहीं होगा ना तो डेफिनेटली आपका मूड भी बहुत अच्छे से अच्छा कर देगा. इस तरह का ये बॉडी मिस्ट है. और हाँ बट इसका एक रीज़न यही है कि ये स्मेल बहुत अच्छे करता है. माइल्ड वाली स्मेल है अच्छी वाली जैसे बोलते हैं ना वो वाली स्मेल है. एंड यस डेफिनेटली ये ऑलमोस्ट 3 घंटे उससे ज़्यादा नहीं टिकेगा वो मुझे पता है बट या स्मेल मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको परचेस करते रहती हूँ. बिकॉज जब आप उसको स्मेल करते हो एटलीस्ट आपके बॉडी में से बैड स्मेल नहीं आएगी. 3 घंटे बाद स्मेल नहीं आएगी वो तो मुझे पता है बट उसके बाद बैड स्मेल भी नहीं आती है जो ऑलमोस्ट दूसरे डियोज में स्टार्ट रहता है इसलिए. तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस.